Assalamu alaikum. In this video, you will study about types of pronoun. What is pronoun? Pronoun, it is used instead of noun. It's called pronoun. Yani aisa word jo hum noun ki jagah par istemal karte hain, usse hum kehte hain pronoun. Like he, she, it, they, I, we, they all are pronouns. There are some types of pronoun. First type is personal pronoun. तो इस वीडियो में आप आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के. फर्स्ट टाइप को जो है पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? अ पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग. इट इज़ फर्स्ट पर्सन. यानी पर्सनल प्रोनाउन में क्या बयान करता है, किसी पर्सन के जो बोल रहा है, यानी मैं बात कर रही हूँ, तो आई एम फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? आई एंड वी. आई इज़ यूज फॉर द सिंगुलर और वी क्या होता है? प्लुरल. तो जो बोल रहा है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन. तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएगा. द पर्सन बीइंग स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन. जो आपको सुन रहा है यानी आप जिससे बात कर रही हैं वो क्या होगा? सेकेंड पर्सन. एंड द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू एंड यू ही होता है सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए. थर्ड पर्सन के लिए आप यूज़ करते हो ही, शी, इट और दे. तो जब मैं बोल रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो यू आर द सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर नहीं है तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन. आपको ये भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड के अंदर कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन के अंदर कौन से होते हैं. हमने कॉलम्स बना के मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, तो हम हर कॉलम को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे. कि पहला था जो पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आपने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन को हमने स्टडी किया था, तो वो हम आज पढ़ रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, टाइप ऑफ प्रोनाउन है. एंड पर्सनल प्रोनाउन आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो व्हाट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन? अ प्रोनाउन विच एक्ट्स एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. यानी आपने देखा होगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. अगर आपने अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो ये सारे क्या हैं? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के हम स्टार्टिंग में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग. तो यहाँ पर कौन रीडिंग कर रहा है? आई. तो आई क्या है? एक तो आप देखें सेंटेंस के स्टार्ट में है, और क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है और ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकेंड एग्जाम्पल में है यू आर ब्यूटीफुल. ये स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन यू. तो यू क्या है? आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकेंड पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अ प्रोनाउन विच एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. यानी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिनमें है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. मीन्स आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी. वी का ऑब्जेक्ट अस. यू का ऑब्जेक्ट यू. ही का हिम, शी, हर, इट, इट. और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम. और ये हमेशा सेंटेंस के आप सेंटेंस के एंड में लिखते हो. जैसे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हो, सिमिलरली आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सेंटेंस के एंड में लिखते हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही टॉट मी. तो ही यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जिसने पढ़ाया किसे? मुझे. यानी ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मी. तो मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही लव्स हिम. तो ही यहाँ पर देखें सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि स्टार्टिंग में है सेंटेंस के. और हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिम. लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ही लव्स हिम, वो उससे मोहब्बत करता है. तो यहाँ पर हिम जो है यहाँ पर सेंटेंस के एंड में है, और ये आपका है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सारे नहीं पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट को पढ़ें पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्या होते हैं ये आपने समझा. अब हम पर्सनल प्रोनाउन में हम समझेंगे कि अरेंजमेंट इसकी कैसे करते हैं. 2-3-1 व्हाट इज़ दैट? अगर आप एक सब्जेक्ट देखते हो, एक होता है जैसे आई विल वॉच क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ एक है, आई, तो आपने लिख दिया. लेकिन आप देखते हो समटाइम्स सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी? उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर आपके तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो सिंगुलर हैं, तो आप अरेंजमेंट रखोगे 2-3-1. 2-3-1 का मतलब 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स
फर्स्ट पर्सन, यानी जब अगर आपके पास से सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन भी है, तो सबसे पहले आपने सेकंड पर्सन की बात करनी है, जैसे तुम, वो और मैं, यानी यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन. यू, ही एंड आई विल वॉच क्रिकेट मैच. हम तुम, वो और मैं क्रिकेट मैच देखेंगे. सेकंड एग्जांपल, अगर आपके पास तीन सब्जेक्ट नहीं है, अगर दो भी हैं तो और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपने अरेंजमेंट ऐसे ही रखनी है. अगर आपके पास सेकंड सब्जेक्ट नहीं है, सेकंड प्रोनाउन नहीं है, तो आपने क्या करना है, थ्री और वन का रखना है कि अरेंजमेंट रखनी है, यानी सबसे पहले ही एंड आई, यानी वो और मैं आर गुड फ्रेंड्स, वो और मैं गुड अच्छे दोस्त हैं. तो याद रखें, जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आप रखेंगे टू थ्री वन का अरेंजमेंट, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन, और इसी के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब और बनाने हैं सेंटेंस को. लेकिन अगर आप देखते हो आपका सब्जेक्ट दो और दो से ज़्यादा है, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, तो आपका क्या होगा अरेंजमेंट, आप वन टू थ्री का अरेंजमेंट रखोगे, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन प्लुरल लिखोगे, वी फर्स्ट पर्सन है और प्लुरल है, यू भी सेकेंड पर्सन है, टर्न आई सेकेंड पर्सन की, यहाँ पर यू जो है वो प्लुरल है और दे प्लुरल है, तो वी यू एंड दे विल गो टू इस्लामाबाद टुडे. सिंगुलर सब्जेक्ट हों दो या दो से ज़्यादा, तो टू थ्री वन का आपने रखना है अरेंजमेंट. अगर सब्जेक्ट दो और दो से ज़्यादा हों लेकिन प्लुरल हों, तो आप वन टू थ्री यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की अरेंजमेंट से सब्जेक्ट को लिखेंगे. लेकिन अगर आप देखते हो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मिस्टेक्स या गिल्ट फीलिंग्स या एक्सेप्टिंग या एरर की बात कर रहा है, तो फिर आपकी अरेंजमेंट होगी वन टू थ्री की, यानी आई यू एंड ही विल हैव टू अपोलोजाइज. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स. तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि आप ग्रामर को पढ़ रहे हो, तो जब आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप ग्रामेटिकली मिस्टेक से बचाओगे. तो याद रखें, सब्जेक्ट लिखते वक्त भी ध्यान रखें कि आपको केयरफुली यूज़ करना है, आपको रूल्स पता होने चाहिए कैसा लिखते हैं, ठीक है. और इनके साथ साथ आप कुछ याद भी करें, याद आपने ये करना है, मिसलेनियस सेंटेंसेस और बहुत सारी चीज़ें. तो आज इस वीडियो में आज कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस आप सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन इज़ तुम्हारे खातिर, अगर हमने कहना है तो हम यूज़ करेंगे फॉर योर सेक. नंबर टू इज़ कुछ लिहाज करो, हैव सम रिस्पेक्ट. नंबर थ्री इज़ कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है. तो इसके लिए आप कहोगे इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन. तो साथ साथ याद रखें, क्योंकि जब भी आप लिखोगे तो आपको छोटे छोटे से फ्रेज की नीड होगी, जिसमें आप अगर स्टक नहीं होना चाहते तो इनको अपने माइंड में रखें. और एवरीथिंग इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न फॉर रनिंग इंग्लिश. देखें.